अरे विमला, तुम कहाँ थी? हम कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। चलो खेलते हैं। मुझे खेलना वेलना नहीं है। अरे विमला, क्या हुआ? तुम बलदाव पर क्यों चिल्ला रही हो? अभी मैं खेल नहीं सकती, मुझे माँ ने बुलाया है। देखना, मेरा घोड़ा विश्व का सबसे तेज घोड़ा बनेगा। विश्व का सबसे तेज घोड़ा तो इंद्रदेव के पास है, जिसके सात मुख है और पंख भी, जिससे वो आकाश में उड़ता है। काश कभी हम भी उस घोड़े पर बैठ बादलों की सवारी कर सकते। किसी बड़े डाल के निशान लगते हैं। वे अपने साथी को छुड़ाने आए। माधव उठो। हम आपसे युद्ध नहीं चाहते, केवल अपनी और अपने मित्रों की सुरक्षा चाहते हैं। मनुष्य हमारे शत्रु हैं, हमें तुम पर विश्वास नहीं। अचानक आप किम पुरुष इस प्रकार हिंसक क्यों हो गए हैं? बासी के वन में राजा अभिराज शिकार के लिए आए। झाड़ी के पीछे बैठे हमारे एक किम पुरुष साथी को सिंह समझकर उन्होंने उस पर वार कर दिया। क्रोध में आकर उस किम पुरुष ने राजा पर वापस वार किया, जिसके परिणाम स्वरूप उस राजा का निधन हो गया। उसने हम किम पुरुषों के समस्त कुल का नाश करने का प्रण किया और एक बड़ा यज्ञ आरंभ किया। हमें वो यज्ञ रुकवाना होगा। क्या ऐसा संभव है? कल सूर्योदय होते ही हम यज्ञ स्थल की ओर प्रस्थान करेंगे। हमारा यज्ञ अवश्य होगा। जिन किम पुरुषों ने हमारे पिता की हत्या की है, उनके समस्त कुल का नाश अवश्य होगा। हम यहाँ केवल दूत बनके उनका संदेश देने नहीं आए हैं राजकुमार जयराज, बल्कि जो अन्याय आप यज्ञ करके उनके साथ कर रहे हैं उसे रोकने के लिए आए हैं। ऐसा तुम केवल मुझे युद्ध में परास्त करने के उपरांत ही कर पाओगे। हमें युद्ध की आज्ञा दीजिए गुरुदेव, और विजयी होने का आशीर्वाद भी। विजयी भव। मायावी है, परंतु मेरी शक्तियों के आगे निर्बल है। तेरी मेहनत व्यर्थ है। होने के साथ मेरा ये यज्ञ भी संपन्न हो जाएगा, और उसी के साथ पृथ्वी से किम पुरुषों का नामो निशान ही मिट जाएगा। We'll be right back.
माधो, इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? तीन बार गिनती कर ली, एक कम है। तेरी नई गैया तो बड़ी चंचल है, हर रोज वन की ओर भाग जाती है। जल्दी चलो उधो, इससे पहले कि वो बहुत दूर भाग जाए। देख तो उधो, कितना सुंदर और शाही घोड़ा है। घोड़ा छोड़ माधो, अपनी गायों को ढूंढ। गायों को, गायें तो मिल ही जाएगी, मुझे तो ये घोड़ा भी चाहिए। आसपास भी कोई नहीं है, लगता है ये घोड़ा किसी का नहीं है, मतलब अब हम इसकी सवारी कर लेते हैं। चलो। तुम गांव वालों की इतनी जुर्रत कि तुमने गुरु नरेश के आशु को रोका? सैनिकों, इन दो बालकों को तुरंत बंदी बना लो। वहीं ठहर जाओ। तुम हमारे मित्रों को बंदी नहीं बना सकते। लो, दो और ग्वाले आ गए। ये अश्व हमारी भूमि से होकर आगे नहीं बढ़ेगा। तो क्या तुम ग्वाले उसे रोकोगे? सैनिकों! संदेश दे दो कि उनका अश्व वृंदावन की धरती से नहीं गुजरेगा और हम ग्वाले उनकी सत्ता कदापि स्वीकार नहीं करेंगे।